सो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है लक्की और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को अंडर 10,000 यानी 10,000 के अंदर जो आप कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो मैं आज आपको सो एक पांच अच्छे एक आप तो मैं फ़ोन जो है बताने वाला हूँ, जिसमें से अगर आप चाहे तो वो कोई भी फ़ोन जो है खरीद सकते हैं। तो आज मैं आपको लोगों को पाँच ऐसे फ़ोन जो है दिखाऊंगा जिसको जिसकी जो है बिल्ड क्वालिटी और जो है सब कुछ एकदम अच्छा होगा। उसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको भी इस वीडियो में जो है बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी सही लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी जाइए, जाके हमें फॉलो कर दीजिएगा। वहाँ भी मैं से टेक से रिलेटेड न्यूज़ जो है वो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको जो पांच फोन बताने वाला हूँ उसमें से कोई भी जो है फोन शाओमी का नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, मैं आज आपको जो पांच फोन बताने वाला हूँ उसमें से 10,000 के अंदर जो शाओमी का कोई भी फोन नहीं है। क्योंकि हमारे जो सारे फोन मैं आपको जो बताऊंगा उसमें जो है कम से कम 3 GB के रैम, 5,000 mAh की बैटरी और जो है कम से कम 6.5 इंच की जो है डिस्प्ले जो होनी चाहिए। तो वो सारे जो है हमारे क्वालिटी है वो शाओमी के किसी फोन में जो नहीं दिखी है, जो अंदर 10,000 के हो। तो मैं आज आपको जो है वो तीन जो है रियलमी के फोन जो है बताने वाला हूँ, एक जो है इन्फिनिक्स का और पांचवा जो है वो ऑनर का फोन जो है बताने वाला हूँ। तो चलिए कौन कौन से फोन है जो आपको जो है वो बेस्ट प्राइस में जो है मिलेंगे और साथ ही बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फोन की ओर। तो हमारे नंबर में जो पांचवा नंबर का फोन है उसका नाम है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। उसका डिस्प्ले जो है हमें 6.6 इंच का जो हमें HD+IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसका प्रोसेसर की बात करें तो उसमें हीलियो G P22 का जो है प्रोसेसर है। उसकी रैम जो है 4 GB 64 GB की, उसमें रैम 4 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। उसमें हमें 5,000 mAh की बैटरी जो है देखने को मिलती है और साथ ही इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट जो है देखने को मिलता है। इसमें जो है हमें 3 कैमरे जो है पीछे की ओर दिए गए हैं। एक है 48 MP का प्राइमरी कैमरा, दूसरा 2 MP का और तीसरा जो है 2 MP का। हमें 3 जो है रियर कैमरा जो है देखने को मिलती है और फ्रंट कैमरा जो है हमें 8 MP का देखने को मिलता है। अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये हमें जो है 9,500 के प्राइस में मिलेगा। तो ये था हमारे पांचवें नंबर का फोन। अब मैं आपको दिखाऊंगा चौथे नंबर का फोन, यानी हमारा जो है लिस्ट में चौथे नंबर का फोन वो है। चलते हैं हमारे चौथे फोन की। तो हमारा चौथा नंबर का फोन है उसका नाम है मोटो जी8 पावर लाइट। तो इसकी हमें डिस्प्ले की बात करें तो इसमें जो है हमें 6.5 इंच की जो HD+IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसकी रैम की हम बात करें तो इसमें हमें 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इसकी बैटरी है जो हमें 5,000 mAh की बैटरी है। उसके इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो है दिया गया है। इसमें हमें जो है पीछे की ओर 3 कैमरे देखने को मिलती है। एक है 16 MP का कैमरा, दूसरा है 2 MP, तीसरा कैमरा भी हमें 2 MP का देखने को मिलता है। इसके हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसकी हम बात करें तो ये हमें तकरीबन 9,000 रुपीज़ की प्राइस में हमें जो है मिलेगा। तो ये था हमारा चौथे नंबर का फोन। इसके बाद हम चलते हैं हमारे तीसरे फोन की ओर। तीसरे नंबर पर हमारा जो फोन है उसका नाम है Realme 5i। अगर इसकी हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हमें वो 6.52 इंच का जो हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो है HD+IPS LCD डिस्प्ले है। इसकी हम अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें SD स्नैपड्रैगन जो है 665 जो है देखने को मिलता है, 665 प्रोसेसर में देखने को मिलता है। इसकी हम रैम की बात करें तो इसमें जो है हमें 4 GB की रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इसमें भी हमें जो है 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसमें जो हमें उसमें कमाल की बात यह है कि इसमें हमें जो है पीछे की ओर 4 जो है कैमरे देखने को मिलती है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 12 MP का, इसके बाद 8 MP, उसके बाद 2, उसके बाद फिर से 2, जो हमें 4 कैमरा पीछे की ओर देखने को मिलता है। फ्रंट की बात करें तो इसमें हमें 8 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। इसकी हम प्राइस की बात करें तो ये हमें जो है 10,000 की प्राइस में जो है इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये था हमारे तीसरे नंबर का फोन। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर की ओर। दूसरे नंबर पर है हमारा Realme C3। इसकी हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें हम जो है 6.5 इंच का HD+IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें जो है वो हीलियो G70 प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। इसमें जो है 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें भी हमें जो है 5,000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, लेकिन इसमें हमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो है फिंगरप्रिंट सेंसर हमें जो है नहीं मिलता है। इसमें हमें जो पीछे की ओर 2 कैमरे देखने को मिलती है, एक 12 MP का कैमरा, दूसरा है 2 MP का। इसमें फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये हमें 5 MP का फ्रंट कैमरा जो हमें देखने को मिलता है। इसका प्राइस जो है वो 9,000 रुपये है। तो ये था हमारा दूसरा नंबर का फ़ोन। अब हम बात जो करते हैं हमने पहले पहले फ़ोन की ओर। तो
हमारा पहला नंबर पर जो फोन है उसका आप गेस कर ही लिया होगा कि हमारा रियलमी का कौन सा जो है पहले नंबर का फोन है वो है रियलमी नार्जो 10A। तो उसकी हम डिस्प्ले की बात करें तो इसमें जो हमें 6.5 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। उसमें भी हमें प्रोसेसर हीलियो G70 देखने को मिलता है। जिसकी रैम की हम बात करें तो इसमें हमें 3 GB की रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। इसकी हम बैटरी की बात करें तो इसमें भी हमें जो है सभी फोन की और तरह हमें इसमें 5000 mAh की बैटरी जो है देखने को मिलती है। इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। उसमें हम कैमरे की बात करें तो इसमें हमें पीछे की ओर जो है 3 कैमरे देखने को मिलती है। एक है 12 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल, तीसरा कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। और इसमें हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें जो हमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो है देखने को मिलता है। तो ये सब आपने फ़ोन देखे होंगे जो मैंने आपको 10,000 के अंडर जो है मैं आप सबसे अच्छे फ़ोन जो मैंने आपके लिए जो है वो गाइडेंस किया। अगर इसमें से आप चाहो तो कोई भी एक फ़ोन जो है ले सकते हो जो आपको 10,000 के अंदर रेंज में जो आपको अच्छे से अच्छा जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो मिलते हैं। तो अगर आप इसको कोई खरीदना चाहते हो तो हमें आपने सभी फ़ोन देखा। इस पाँचों फ़ोन में हमें जो है एक फ़ोन था जिसमें हमें जो है वो फिंगरप्रिंट जो है देखने को नहीं मिला, दूसरा फ़ोन था जिसमें हमें जो है वो 2 कैमरे देखने को मिलते, बाकी सब जो है फ़ोन में हमें कम से कम 3 कैमरे देखने को मिले और सबके फ़ोन में हमें कम से कम जो है वो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिला। एक ही ऐसा फ़ोन था जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था। तो आप चाहो तो इसमें से कोई भी एक फ़ोन जो है वो ले सकते हो। मैंने आपको इसमें से जो है वो अच्छे से अच्छे फ़ोन जो आपके लिए मैंने जो है ढूंढ के आपके लिए दिखा है। आप इसमें से कोई भी अच्छा एक फ़ोन जो है वो ले सकते हो। अगर रियलमी इन्फिनिक्स या फिर मोटो जी के जो है फैन हो तो इसके इसमें से आप कोई भी एक अच्छा फ़ोन जो है खरीद सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।